अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, अनार एक ऐसा फल है जिसके बेपनाह फ़ायदे हैं। आज हम बात करेंगे कि किस तरह अनार रोज़ खाने से आप मुख्तलिफ बीमारियों से निजात हासिल कर सकते हैं। फलों का बादशाह आम को कहते हैं, लेकिन ताज अनार के सर पर होता है, इसी वजह से फलों का राजकुमार कह सकते हैं। अनार को अरबी जुबान में रमान और अंग्रेज़ी में पोमेग्रेनेट कहते हैं। अनार बहुत खुशमिजाज रसीला फल है, मज़े के लिहाज से खट्टा मीठा, खट जैसमिली जैसा और सिंधी जैसमिली जैसे के नामों से पुकारा जाता है। इसमें दो शाम कंधारी और बहीदान पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी अनारों में पेशावरी बहुत पसंद किया जाता है, क्योंकि इसका छिलका भी खुश्क हो जाए तो अंदर का फल तरोताज़ा रहता है। दुनिया के किसी भी मुल्क में पाकिस्तान के अनार की तरह कोई मज़ा नहीं। कुरान में तुरैत में अनार को मुफीद और जन्नत का फल कहा गया है। कुरान इरशाद में बारी ताला है, और वहाँ बाग जिनमें अंगूर, जैतून और अनार हैं, इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनकी शक्लें आपस में मिलती हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो अपनी शक्ल और जायका में मुख्तलिफ हैं। इनमें मेवा और खजूरें और अनार हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। कदीम ज़माने के हकीम अनार के गज़ाई दवाई फ़वाइद से अच्छी तरह वाकिफ़ थे। जदीद तहकीकात के मुताबिक कहती है कि इसके कीमी अज़ा पाए जाते हैं। अनार में लहमियात, नशास्ता, चिकनाई, ख्यातीन, फौलाद, कैलोरीज, सोडियम, पोटाशियम, कॉपर, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सल्फर, क्लोराइड, कैल्शियम और नाइट्रिक एसिड जैसे मुनासिब मकदार मौजूद होती है। इन सब ने अनार को गज़ाई दवाइयों दोनों एतबार से बेहतरीन फल बना दिया है। अनार में मंजूर खाद इंसा का तनासब ये है: लहमियात 1.6%, नशास्ता 1.4%, चिकनाई 0.1%, चूना कैल्शियम 0.01%, लोहा यानी फौलाद 0.3%, फास्फोरस 0.07%, पानी 78%। अनार में गज़ा और दवाई दोनों के फ़ायदे मौजूद हैं। मीठा अनार हलक और सीने की सोजिश, फेफड़ों में वर्म में अक्सर है, पुरानी खांसी के लिए कारामद है। इसका अर्क पेट को नरम करता है और इस पर नाइट्रिक एसिड होने की वजह से पेट के कीड़े भी मर सकते हैं, जो सबको अजाफी गजाई और तवानाई मुहैया करता है। फौरन ही जिसमें बदन बन जाता है और पेट में वर्म पैदा करने वाले मादे को खारिज कर देता है। अगर अनार की रोटी के साथ खाया जाए तो पेट में कोई ख़राबी नहीं होती। ज़्यादा अनार खाने से कब्ज़ हो जाता है, मैदे की सोजिश इससे दूर हो जाती है। ये पेशाब आवर है, सफरा को तकसीम बख्शता है, कह और इसहाल को रोकता है, जिगर की हिद्दत को ख़त्म कर देता है, जिस्म के अज़ा को कुव्वत देता है और पुरानी बीमारी को आराम देता है, मैदे के मिन की थक्कन दूर करता है। तुर्श अनार फ़ायदे में मीठे की तरह मशहूर है कि जिसने अनार खाए वो अगले साल तक आंखों की सोजिश से महफूज रहेगा। जिन लोगों का रंग जर्द या मैदे की खराबी की वजह से होंठों का सफ़ेद हो जाना, तो अनार खाने से ठीक हो जाता है। क्योंकि मीठा अनार रियाह की तहलील में गड़बड़ कर देता है, इसीलिए इसके साथ थोड़ा सा खट्टा भी मिला लेना चाहिए। जिगर के रियाह को खारिज कर देता है, जिसके शख्स को बवासीर की वजह से खून बहता हो, अनार के दाने इसके लिए फ़ायदेमंद है। अनार के पत्तों का पानी नाक में डालने से नकसीर बंद हो जाती है। अनार के दरख्त का छिलका पानी में उबालकर चावल में डालने से या अरबी के साथ खाने से नाफे दौरान को मुरतब होता है। छिलके समेत अनार का पानी निकालकर इसके शहद के साथ उबालकर मरहम की तरह किया जाए तो सात सिलाई के साथ लगाने से आंखों की सुर्खी ख़त्म हो जाती है। इसी मरहम का मसूरों पर लेप की जाए तो पायरिया में मुफीद है। इसे पिया जाए तो पेट की इसलाह करता है और सोजिश पैदा होने वाले बुखार को दूर करता है। तुर्श अनार के दाने गुठली समेत पीने के बाद शहद मिलाकर ऐसे गंदे जख्मों पर लगाया जो आम इलाज से ठीक नहीं हो रहे हों तो ठीक हो जाते हैं। अनार का शहद अर्क थोड़ी देर बर्तन में रखें तो भारी अज़ा नीचे बैठ जाते हैं। इनको छाल कर निकाल लें, फिर इसमें से एक पाव खांड, 10 ग्राम सौंफ पीस कर मोटर में मिला लें और कड़ी धूप में रखें। ये बोतल लबाब भरी हुई ना हो बल्कि एक चौथाई हो। एक हफ्ता यूं ही पड़ी रहने दें और हिलाते रहें। इसी साल के दौरान 2 चम्मच पेट की सोजिश, भूख की कमी और ज़ईफ़ बाव में मुफीद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अनार से मुतल्लिक तमाम बातें पसंद आई होंगी, और हम कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह अपने डेली रूटीन में अनार शामिल कर सकें। अब तक के लिए तहीं, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।